नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू मिधावीज किचन। आज हम आपको कैरी की चटनी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। बहुत ही इजी है, आप इसे ट्राई कीजिए, इसको जरूर बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए। ये देखिए, ये हमने मिक्सी का जार लिया है और ये एक कैरी है जो हमने छील के काट ली है। एक कैरी है, ये हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, इतने पुदीना लिया है हमने, धो लिया है और इसमें डाल देंगे पुदीना। ये देखिए, ये हमारे पास गुड़ है, आधी कटोरी है गुड़, और ये हमारे पास पिसा हुआ गुड़ है। अगर आपके पास दूसरा है तो आप दूसरा डाल दीजिए। आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाते हैं उतना। अगर आपको थोड़ी खट्टी चाहिए तो आप थोड़ा कम डालिए। अब देखिए, इसमें चटनी में हम अगर ब्लैक सॉल्ट डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसमें ब्लैक सॉल्ट ज़रूर डालें। आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लैक सॉल्ट का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ब्लैक सॉल्ट हो गया हमारा, और देखिए इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। भुना हुआ जीरा डालेंगे हम इसमें, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। लाल मिर्च डालेंगे हम, थोड़ी सी लाल मिर्च। इसमें हम डालेंगे तीन कली लहसुन, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको चला देंगे। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आपके घर में लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप रहने दीजिए। देखिए, हमारी कैरी की चटनी बनके तैयार है।